माई मरे बाप मरे सब नहीं, हमारे पास दूसरा भी है। वो क्या था कि सिंगल सिंगल वो आ रहा था, अभी कंटिन्यूअसली पूरा एक चक में एक है जो 2.5 मिनट का है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो सारा सब कुछ मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं। ओके सर, बिल्कुल दिखाइए सर। फिल्म का एक्सपीरियंस इन्होंने पूछा, इतना अच्छा था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच एट ए वेरी रिमोट प्लेस भदोही, जहाँ पर सारी सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध कराई थी। तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल वाइल शूटिंग, विच इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट एनीवेयर, चाहे वो राजकुमार हिरानी की फिल्म हो, चाहे वो राजकुमार संतोषी की हो, चाहे धीरज पंडित की हो, और वो रखने से हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं अपने कैरेक्टर पर, जो हमने किया। इसके लिए राजपूत साहब बधाई के पात्र हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आर्यन फिल्म्स को शुभकामनाएं देता हूं। टीजर में जरीना के साथ जो सीन्स है वो सब तो अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तक अगर पहले ही क्या है अंदर उसको तो ओपन कर लेने से सब गड़बड़ हो जाता है, और आप लोग लिख देते हैं चारों तरफ। गोविंद और गोविंद के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी। जो जो फिल्में की हैं उसके साथ, अभी एक आने वाली भी है, दूसरी फिल्म भी की हमने पुकार में, एक मेमोरेबल उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है इम्प्रोवाइजेशन का ऑन द स्पॉट, जो गोविंद कर सकता है मेरे साथ और मैं कर सकता हूँ गोविंद के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने चुन के रखा है आर्टिस्टों को कैरेक्टर में, ये बहुत बड़ी बात है। एज ए डायरेक्टर ही इज मोस्ट सक्सेसफुल टू कम्प्लीट ए फिल्म लाइक दिस, वेरी ऑर्डनरी स्टोरी बट उसमें बहुत ट्विस्ट दिखाई पड़ता है, जो विच आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग सिंस माई फर्स्ट सेकेंड डे एट भदोही शेड्यूल। मालूम ही नहीं पड़ता था कि एक्चुअली इसका कैरेक्टर है क्या, धीरज पंडित का, जो थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन पूरी तरह से नहीं, एंड ही हैज डन वेरी वेल दिस कैरेक्टर। तो ये उसके लिए बधाई के पात्र हैं, और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिक्चर रिलीज होगी, पब्लिक के सामने आएगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा। पिक्चर का फेट तो ईश्वर के ऊपर है, और अच्छे दिन में दिखाया इन्होंने, तो उम्मीद है कि पूरी तरह से इनको हर तरह से सक्सेस मिले। धन्यवाद। क्या पुष्कर भाई, तुम भी मजा ले रहे हो। बिना म्यूजिक के खड़ा होना मुश्किल होता है। और रही बात, मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सफर था, मेरा लाइफ का पहला आइटम सॉन्ग था जो कि धीरज सर ने मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया था, और वो बहुत अच्छा था। लॉलीपॉप जी कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने भी काफ़ी हद तक अच्छा किया, और इनफैक्ट धीरज सर को भी बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत मुझे सेट पर बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हमारे धीरज सर मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे, वो वक्त बहुत अच्छा था काम में। और इनफैक्ट मुझे भी अपना प्रोड्यूसर सर, मुझे प्रोड्यूसर सर दिखाई नहीं दे रहे हैं कमलेश। अच्छा, हम प्रोड्यूसर सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे साथ में थे, तो उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, धीरज सर का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, एक्चुअली अर्चना हमारे साथ एक ही दिन के लिए थी, रात भर गाना चला था, सुबह गाड़ी नहीं थी, तो मेरे पास गाड़ी थी, मैं साथ में बैठा के ले गया था, तो इतना ही फील हो रहा है। और ऊपर वाला बचाए रखे तो अच्छा है। रितु शर्मा भी है वहाँ पे, तो शर्मा लोग ज्यादा है जी। Okay, Dev, really good to see you. You know, I don't think Anchor is going to tell us to start a Q&A. I'm starting my own. Please, go ahead. It's really good to see you, and we have seen the trailer. We love the trailer. Thank the you. The way it is, you know, the suspense is created around the every character which is there on the screen. It make you feel something, ki ab kya. Right. Tell us, what are the first thing you said yes to the film? This is the reason you are part of it.
See, first of all, I signed this film at a very awkward hour. मैंने ये सुबह 4 बजे फिल्म सुबह early morning 4 बजे इस फिल्म को साइन किया था. इसका नरेशन मेरे घर पे 2 बजे चालू हुआ था और नॉनस्टॉप 2 घंटा बिना पानी पिए नरेशन चला था. धीरज जी ने नरेशन दिया था और इनिशियली आई वॉज, आज मैं पहली बार रिवील करूंगा ये बात कि मैं बहुत कीन नहीं था इस फिल्म को करने के लिए बिकॉज मेरी डेट्स कहीं और बिजी थी. लेकिन दिनेश जो हमारे PRO हैं उन्होंने बोला कि धीरज जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप एक बार मिल लीजिए फिर आप डिसीजन लीजिएगा. तो वो मिलना ऐसा हुआ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने फिल्म कंप्लीट करके. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. फॉर अ चेंज इन दिस फिल्म आई विल बी हैविंग सो मेनी लेयर्स. ये एक स्टार्ट टू एंड एक सिंपल या एक सिंगल सिंगुलर कैरेक्टर नहीं है. इट हैज़ लाइक डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमोशंस इन इट. तो एक वर्सेटाइल एक्टर होना जो है वो एक इंसान की भूख होती है कि उसको हर तरीके के अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो भाव होते हैं प्रकट करने का मौका मिले. तो इस किरदार के ज़रिए मुझे वो मौका मिला बिकॉज ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन. अपने पापा का एकदम होनहार बेटा है, सीधा साधा, माँ का लाड़ला है. भाई के लिए मतलब ये राम है तो भाई लक्ष्मण है, तो उसके लिए शील्ड बन के खड़ा रहता है हमेशा. गर्लफ्रेंड के साथ जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा शाय है, कम बोल पाता है. रियल लाइफ में नहीं हूँ मैं ऐसा, लेकिन यह मेरा कैरेक्टर कुछ इसी तरह का है कि चुपचाप रहता है, ज़्यादा फ्लर्ट नहीं कर पाता है. और जब बात परिवार की आती है तो फिर भैया जो सामने आएगा भदोही स्टाइल में उसको धोया जाएगा. तो दिस इज द वे आई हैव प्लेड माई कैरेक्टर. एंड थैंक्स टू धीरज, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी वर्कशॉप चली जिसमें मुझे समझने का मौका मिला कि अच्छा ये देव शर्मा से अलग है. नहीं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करते हैं. लेकिन फॉर अ चेंज इस बार आपको देव शर्मा से हटके अमर इस फिल्म में देखने को मिलेगा, प्रेम का बड़ा भाई. तो मजा आएगा आप लोग को देख के. ओके धीरज, जितना भी स्क्रीन पे हमने आपको देखा बहुत बहुत ज्यादा, जैसे देव ने कहा बहुत लेयर है, मुझे लगता है आपके किरदार में बहुत लेयर है. कभी आप पागल हैं, कभी आप इमोशनल हैं, कभी आप सटल हैं, कभी आप एकदम एग्रेसिव हैं. ये इतना सब कुछ होने के बावजूद कहानी जस्टिफाई हो पाती है? जस्टिफिकेशन जैसे कि भाई ने कुछ देर पहले कहा था कि एक कैरेक्टर स्टार्ट होता है, चलता है, फिर फाइनली उसका वाइंड अप होता है. तो ये ट्रेलर था, टीजर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिवील नहीं करते हैं. पहले मैं इनके किरदार की बात करूं कि जैसे मैंने इनकी फिल्म देखी थी मुजफ्फरनगर, इसके पहले यारियां भी मैंने देखी, तो अच्छा लगा मुझे, बढ़िया लगा. इस बार बड़ा एक सामाजिक, एक पारिवारिक कैरेक्टर था. बहुत आसान किरदार देव जी का नहीं था कि एक ऐसा इंसान जिस पर उसके छोटे भाई ने कभी बचपन में उपकार कर दिया हो, बचा लिया हो, अब कैसे उसके उपकार का बदला चुकाया जाए. किसी ने अगर उसके भाई को पागल बोल दिया तो दीवार बन के सामने खड़ा है कि दुनिया में उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है. पिताजी ने, जैसे डायलॉग में भी था कि पिताजी ने कभी हाथ उठाया तो पिताजी को रोका, गांव वालों ने बोला तो गांव वालों को तोड़ा, और आज उस भाई ने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, मेरे गाल में थप्पड़ मारा, अंजलि सब तुम्हारे लिए. तो सोचे किस हद तक अपने भाई को प्यार करता होगा कि आज अपने बड़े भाई का थप्पड़ खाकर ये बिल्कुल भाव विभल हो गया. तो वो किरदार अमर ने निभाया था. पिता का बहुत आज्ञाकारी लड़का, माँ का बहुत आज्ञाकारी लड़का, लेकिन अपने भाई को उतना ही ज़्यादा प्यार करने वाला, जो कि आजकल भाई भाई वाली चीज़ें फिल्म से लगभग लुप्त हो चुकी हैं. अब बन रही है गैंग्स ऑफ वस्सेपुर बन रही है, सबका अलग अलग टेस्ट है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा. लेकिन बहुत सालों बाद मैंने कोशिश की, हमारे सर ने कोशिश की कि एक पारिवारिक फिल्म अपनी इस बॉलीवुड को दी जाए. बागवान बहुत दिनों के बाद आई थी और ये था कि उस समय पारिवारिक फिल्मों का ज़माना नहीं था. बागवान ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया, हमने भी कोशिश की है कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट वहाँ तक ना पहुँचूँ, जहाँ भी पहुँचूँ एक अच्छी कोशिश हो. तो इनके किरदार के साथ भी वही था, प्यार कर रहे हैं, प्यार का परित्याग भी करना पड़ रहा है. और उन्होंने वो सारी परिभाषाएं बताई कि प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हासिल हो जाए, परित्याग की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, वो इन्होंने जाहिर किया इसमें. और अंततः पूरी फिल्म देखने के बाद ही आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी. Dhiraj, make me correct if I'm wrong somewhere. This is your very first film? This is the film you're doing a debut with? This is, as a director, this is my debut film. As an actor? Chaudhary Pandravi film. Okay. Anjan Srivastava, jaise diggaj kalakar, Govind Namna, jaise diggaj kalakaron ke saath kaam karna, kya seekhne ka mauka mila? Main, as a director, batata hu. Maine to sabko apni aankhon se dekha hai perform karte hue. Kabhi aap Anjan sir ko act karte hue dekhiye.
मैंने लिखा था फेसबुक पर, बहुत ऑनेस्टली लिखा था, 70 साल सर की एज है, अभी भी जितनी एनर्जी इनके अंदर है शायद उतनी मेरे अंदर या और भी जितने कलाकार हैं जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं उतनी एनर्जी नहीं होगी। और जिस शिद्दत से ये काम करते हैं, जितना वेरिएशंस देने की कोशिश करते हैं, शूट तो इन्होंने कर लिया, अब जब डबिंग करने के लिए भी आए थे तो पायलट तो जो है हम उसको मैच करते हैं, उस पायलट को भी वाइल्ड रिकॉर्ड करके ये हमें मौका देते कि रख लो क्या रखना है, तो वो दिग्गज सर हो सकते हैं। और वो सीखने को मिला, मैं चुराता हूँ लोगों से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी भी की नहीं, किसी ने कहा कि चक्कर ठीक ठाक है तो मैं चला आया मुंबई ऐसे मोटा के, बाकी सब इन लोगों को देख देख के ही सीखा है और बस सीख ही रहा हूँ अभी तो शुरुआत है। ओके, प्रोड्यूसर साहब से जाना, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, जहाँ आज हालात ये हैं कि शाहरुख और ऋतिक रोशन जैसी शख्सियत स्क्रीन के लिए झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कि हमें इतनी मिली, मैं काबिल और रईस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कितनी स्क्रीन में आप फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? अभी ये देखिए, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट 1000+। ओके देव, आपसे जानना चाहूंगा, ये कहीं व्हाट यू हैव डन, इज इट अ इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक योर इमेज व्हाट यू हैव डन इन पास्ट? नहीं, मैं जब दिल्ली से पहली बार मुंबई आया था तो ये बहुत क्लियर सोच के आया था कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा वाले लफड़े में नहीं पड़ूंगा। जो चीज़ मुझ तक आएगी, जो मुझे उस काबिल समझेगी, चाहे वो लीड एक्टर हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, एनीथिंग, क्योंकि मुझे एक्टर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना यार, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। तो जब आप आर्टिस्ट अच्छे होते हैं ना तो आप स्टार अपने आप बन जाते हैं, और हमारे साथ मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अंजन जी उसमें से एक हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़े स्टार हैं, तो क्योंकि मेरी नींव NSD से है, मेरे नाना जी NSD में थे और मैं उनके अंडर में ट्रेंड हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि स्टार बनाने वाले वो हैं, एक्टर बनने के लिए हमें खुद मेहनत करनी है, तो मेरे को एक्टर बनना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह का भी किरदार आए उसको करके कुछ अच्छा कर पाऊँ। में हो जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बेसिकली थिएटर एक्टर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इप्टा के साथ जुड़ा हूँ जब से तब से अब तक जुड़ा ही हूँ ऑल इंडिया में। और इन्होंने जो पूछा कि शाहरुख खान और इन लोगों के साथ पिक्चर चलेगी कि नहीं, जब शाहरुख आया था नया, नहीं मतलब इतना हिम्मत किया इन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायद आपके नॉलेज में ना हो, क्योंकि आप नहीं जो क्वेश्चन का जवाब देना, वो एक खबर हुई थी एक बीच में जब काबिल और रईस क्लैश हो रही थी। अच्छा चलो, वो ठीक है, देखिए इस समय शाहरुख खान हो चाहे बच्चन साहब हो, इस समय कंटेंट चाहिए लोगों को। दूसरी बात ये है, ना सुन लीजिए पहले, दूसरी बात ये है कि लोग पॉलिटिकल स्लोगन लगाने से तो नहीं होगा, जो समाज को बनाना चाहते हैं, जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। देवजी, जानना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में क्या विषय है, और काफी जो स्टार कास्ट है, काफी वेटरन आर्टिस्ट है, कैसा अनुभव था फिल्म के दौरान, और अपने जी सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमेशा आते हैं और आप सभी के चैनल्स में जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। अब बात करते हैं जंक्शन वाराणसी की, तो जंक्शन वाराणसी जो बनारस हमारा जो घाट है वहाँ के एक परिवार की एक पारिवारिक फिल्म है, तो अब तक हम लोग मॉडर्न जिस तरह के मैंने कैरेक्टर्स अभी तक प्ले किए हैं, चाहे वो मॉडर्न हो यारिया में या हीरोपंती में एक सीधा लड़का हो या मुजफ्फरनगर में एक बाहुबली टाइप का कैरेक्टर हो, तो इस टाइम पहली बार मैं एक फैमिली फिल्म की है और इसके अंदर मैं एक लॉयर का किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो ये वकील है पेशे से लेकिन इसके लेयर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जब अपने पिताजी के साथ है तो एक सभ्य लड़का है, माँ का लाडला है, जब इसका छोटा भाई जो मानसिक संतुलन से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो उसके सामने अगर कोई इसे पागल बोल दे तो ये उसके सामने शील्ड बन के खड़ा हो जाता है, ढाल बन के खड़ा हो जाता है, और जहाँ प्रेम की बात आती है, प्रसंग की बात आती है, जब एक लव की बात आती है तो शाय है अपना प्यार जाहिर करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो किसी की नहीं सुनता है, फिर ऐसा धोता है, भदोही गाँव की फिल्म है बनारस के, तो भदोही की तरह धोता है, जहाँ पर इस चीज़ की एक खासियत है कि वहाँ अगर किसी परिवार के ऊपर हाथ उठाई जाती है, हाथ उठाया जाता है, तो उसका नतीजा बड़ा ही गरमा गरम होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर। जी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत आगे पहुंच गया है,
जी जी आई हैव सीन द एंटायर सीरीज हां जी या आई वुड लव टू बिकॉज एक आर्टिस्ट अगर अपने आप को दायरों में खींच के रख देगा तो वो ग्रो कैसे करेगा या वो समाज का दर्पण सामने कैसे ला पाएगा. हमारे जरिए ही तो लोग देख पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है. अगर हम दिखाएंगे ही नहीं तो देख कैसे पाएंगे लोग और देख के उसमें से क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए क्या अवॉइड करना चाहिए क्या करना चाहिए कैसे पता चलेगा. तो मुझे तो किसी भी तरह का किरदार मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा. सेक्रेट गेम्स जो आपने नाम लिया है माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है जिसने मतलब हॉलीवुड लेवल को टच किया है और उसका सेकंड सीज़न अभी शुरू होना है शूट होना बहुत जल्दी. तो बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह का कोई भी ऑफर मेरे पास आ रहे हैं लेकिन कुछ फिल्म्स की कमिटमेंट की वजह से मैं अभी ऐसा बिजी चल रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. मेरा किरदार क्या है धीरज पंडित बताएंगे मेरा किरदार क्या है. टीजर आपने देखा है तो टीजर में जितना रिवील हुआ उतना ही बोल सकता हूँ मैं. अगर डायरेक्टर ने उसको रिवील नहीं किया तो आई शुडंट टेल. उसकी इंक्विजिटिव खत्म हो जाएगी. इट्स अ फैमिली फिल्म और दो परिवार के बीच में एक का हेड मैं हूँ एक का गोविंद है. उसके अलग न्यूएंसेस हैं मेरे अलग न्यूएंसेस हैं. उस शादी वादी का चक्कर है परिवार है तो मालूम पड़ गया होगा. तो उसमें मेरे घर आते हैं हाउ आई बिहेव विथ हिम हाउ ही बिहेव्स विथ मी या उनकी वाइफ जरीना जो कर रही हैं वो कैसे बिहेव करती हैं. ये छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये फिल्म में खास बात है. कहानी दुनिया में बहुत इने गिने कुछ लिमिटेड ही होते हैं जो महाभारत ने बता दिया लेकिन कहानी में उसी कहानी को ट्रीटमेंट से आदमी नया बनाता है. और ट्रीटमेंट क्या होता है जो रियलिटी में जो नई नई चीज़ें घटती हैं उसको लेकर के होता है समय के साथ एनवायरमेंट के साथ जगह के साथ प्लेस एंड एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी. तो ये सब चीज़ लेकर के फैमिली फिल्म बन सकती है जो प्रयास इन्होंने बहुत अच्छा किया है. बहुत पहले बनती थी बीच में रुक गई थी फिर बनने लगी फिर रुक गई क्योंकि एक बड़ा स्टार काम कर दिया तो उसको कॉपी करने लगे थोड़ा. लेकिन वो बात आती नहीं जब तक आपकी ओरिजिनलिटी नहीं रहती. कंटेंट में कुछ बात होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी रहेगी किरदार में नयापन रहेगा तो बात पहुंच जाती है दिल तक ऑडियंस के. ये तो शो बिजनेस है ऑडियंस के दिल तक पहुंचनी चाहिए बात और कॉम्पैक्टनेस रहनी चाहिए. सोचने का मौका भी होना चाहिए कि अब आगे इस क्या करेगा ये पागल लड़का क्या करेगा क्या या इसके साथ फैमिली कैसे बिहेव करेगी सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी. हमारे पास एक मैं और गोविंद ने एक और फिल्म की थी नए डायरेक्टरों की फिल्म है. सब लोग नए नए लोग अप्रोच करते यही बहुत बड़ी बात है. इतने फिल्में करने के बाद पुराने डायरेक्टरों के बाद नए डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं. टाइम नहीं है एक फिल्म कर रहे हैं हम जो वो भी रिलीज़ होने को तैयार है. उसके अलावा हिरनी की जो भी फिल्म होगी वो करेंगे जो ऑफर आता है वो करते जाते हैं. दैट्स ऑल ऑल द बेस्ट. जो स्टार का असेंबल किया है काफी टैलेंटेड और कोई वेटरन आर्टिस्ट हैं वो भी नामदेव जी की बात दे लें या जरीना वहाब जी की क्या कहना चाहेंगे कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि इतना ज्यादा स्टार कास्ट आपने एक साथ यू नो इकट्ठा किया और इतनी अच्छी फिल्म है कंटेंट भी काफी अच्छा है. नहीं बड़ी बात होती है नहीं तो जैसे ही पता चलता है कि डायरेक्टर नया है तो जल्दी तो कोई बड़े एक्टर या स्टार कोई तैयारी नहीं होती कि पता नहीं नया डायरेक्टर है क्या बनाएगा कैसे बनाएगा तो बड़े सब हल्के में ले लेते हैं. बट यहाँ ऐसा नहीं था. सारे एक्टर लोग जितने भी थे हमारे एक्टर्स सब ने बहुत सपोर्ट किया बहुत कोऑपरेट किया. कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं फ़र्स्ट टाइम डेब्यूटेंट डायरेक्टर हूँ और कोई नखरे नहीं कोई नाटक नहीं कुछ नहीं. और हाँ पूछते ज़रूर थे कि सर बताइए मुझे करना क्या है. तो प्राउड क्या ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने इतना सम्मान दिया इज्जत दिया मुझे. और अच्छा लगता है कि पहली फिल्म में सारे दिग्गज हों और कम से कम एक दिखने दिखाने लायक फिल्म हमारी बन जाए अच्छा लगता है. सर आपने कास्टिंग कैसे की आपने देव सर कैसे रोल में
दरअसल कहानी जो अपना टाइटल है जंक्शन वाराणसी, तो नाम से ही जैसे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं ये यूपी के बैकग्राउंड की कहानी होगी। तो मुझे मिट्टी से जुड़े हुए किरदार चाहिए थे जिनका चेहरा बड़ा देसी हो। तो अंजन जी अपने जौनपुर के ही हैं और अनुपम श्याम वजह जी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के हैं। तो इनके आप देखेंगे इनकी भाषा शैली में, खासकर अनुपम श्याम वजह तो आज भी अवधी ही बोलते हैं। तो जब फिल्म वाराणसी के बैकग्राउंड पे है तो कम से कम एक्टर्स में ऐसे ले लूँ, तो कहानी के साथ किरदार के साथ चेहरे भी मुझे मिलते चले गए, तो बड़ा लकी रहा मैं इस मामले में। सर आपसे क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, आपने सपोर्ट किया, कुछ खास वजह होगी तभी आपने सपोर्ट किया प्रोजेक्ट को? हाँ, मेरी जीजा से बहुत पुरानी दोस्ती है, हम लोगों ने एक एल्बम साथ में किया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने। और ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को कितना बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म लाना, वो भी इस तरह के स्टार कास्ट के साथ लाके, क्योंकि जब तक कोई कॉर्पोरेट का बैकअप नहीं होता है तब तक फिल्म यू नो प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये बात तो सही आपने बोला कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि इंडिविजुअल अगर कोई प्रोड्यूसर ये फिल्म को बिगर सपोर्ट के लाए तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है फिल्म प्रोडक्शन क्षेत्र में, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले से ही प्रोड्यूस किया, जैसे आपने बताया कि म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया है, कितना डिफरेंस आया है आज के दौर में फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए, कितना रास्ता डिफ़िकल्ट हुआ है या इजी हुआ है? अभी इजी हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी लोगों को उसका महत्व पता है कि लोगों को रोज़गार भी चाहिए, काम भी चाहिए, तो उन्होंने अभी काफ़ी हेल्प किया और सपोर्ट किया, ये आसान बनाते चले गए लोग। और इस प्रोजेक्ट के अलावा आगे क्या सोच रहे हैं, ये तो बनी चुका है, इसके बाद एक फिल्म है हम लोगों की, जल्दी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स कमलेश जी। धीरे जी, हाँ खास वजह नहीं, जैसे कहानी मैंने लिखा था और जैसे मैं मुंबई आया था राइटर बनने के लिए, तेरे नाम मैंने फिल्म देखी थी सलमान खान की और एक कहानी लिख करके मैं मुंबई चला आया था। ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दूँ मैं जो कि हिंदी से बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। बहुत तो अभी देखेंगे आप, वायलेंस बहुत ज़्यादा है फिल्म में, बहुत सारी चीज़ों से अभी फिल्म का स्तर जो था बिल्कुल बदल गया था। लेकिन जब किरदार के चयन की बात आई तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई कि इस किरदार को वो निभाएं। फाइनली फिर सर ने कहा कि कोई और ना निभाए, तुम ही निभाओ इसे, शायद मैं ही न्याय कर पाऊंगा। तो इनका विश्वास था इसलिए मैंने वो किरदार निभाया। अब कैसा निभाया है वो तो फिल्म देखने के बाद या हाँ, वो जम्मू गई हुई हैं, थोड़ी व्यस्त हैं वो। थैंक्स, आपने जैसा देखा ही है कि सारे व्यस्त कलाकार हैं। थैंक्स थैंक्स। नहीं, एक्ट्रेस नहीं है आपको।